हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल क्विज ऑफ पोएम रन। ये आपकी क्लास फोर्थ इंग्लिश की पोएम है रन, जो कि हमें एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, टू रन एवरीवेयर, आप हर जगह दौड़ते ही रहो। इसके क्वेश्चन आंसर्स वी हैव ऑलरेडी डन इन आर प्रीवियस वीडियो, होपफुली आप सभी को समझ में आ गए होंगे। समरी भी मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं पोएम को। तो चलिए एक बार टेस्ट लेते हैं आपका कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, तो लेट स्टार्ट नाउ। क्विज करने का तरीका अभी तक आप सभी को ही पता होगा कैसे अटेम्प्ट करनी है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो नीचे राइट साइड में आप सभी को पता है सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा रेड कलर से, आप उस पर टैप कर देंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम रन। रन जो पोएम है वो किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं ए विलियम शेक्सपियर, बी मैरी डॉन्ट, या फिर सी चार्ल्स डिकेंस। तो बताइए कि जो रन पोएम है वो किसने लिखी है। अगर आपको नहीं पता, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दी आंसर, मैं नहीं आपको आंसर बताने वाली हूँ, तो आप अपनी बुक खोलिए, रन जो पोएम है वहाँ पे जाइए और जहाँ पोएम आपकी ख़त्म होती है उसके नीचे इसके जो पोएट है उनका नाम लिखा हुआ है, मैं आपको उनके पिक्चर दिखा देती हूँ। देखिए, ये आपकी जो रन पोएम है उनकी जो उनकी जो पोएट है, पोएटस हैं उनका, ये वो उनकी पिक्चर है, ये नाम आप बता ही देंगे इन तीनों में से कौन है अपनी बुक से देख के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्रीज। ये भी बोला है उसने कि रन थ्रू द ब्रीज, ब्रीज जब हो उसमें भी रन करे, तो ब्रीज जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? ब्रीज मीन्स अ जेंटल विंड, या फिर सनशाइन धूप, या फिर विंटर। तो बताइए ब्रीज का क्या मतलब है। देखिए पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी ब्रीज है। ब्रीज मतलब एक बहुत ही सुहावनी जब हवा चलती है तो उसको हम लोग ब्रीज बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए अ जेंटल विंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट वांट्स अस टू डू। पोएट क्या चाहता है कि हम क्या करें इस पोएम में? पोएट ने एक ही चीज़ बोली है, तो वो क्या है? टू बाथ, कि सभी नहाएं, टू रन दौड़ते रहे, या टू स्टडी, आपको पढ़ने के लिए कह रहा है। तो पोएम में पोएट ने क्या कहा है? दिस वन ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, ये भी मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि पोएम का नाम टाइटल और जो पूरी पोएम में जो भी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता ही होना चाहिए। पिक्चर दिखा देती हूँ, दिस इज़ वॉट पोएट वॉन्ट अस टू डू, ये वो चीज़ है जो कि पोएट चाहता है कि हम करें। अब देख लीजिए आप विच जो भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है मीडो की। मीडो आपको पता है क्या होता है? मीडो होता है आपका फील्ड ऑफ ग्रास, घास का जो मैदान होता है, ग्रासलैंड, उसको हम लोग मीडो बोलते हैं। तो आपको बताना है मीडो की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, एम ए ई डी ओ डब्ल्यू, या फिर एम डबल ई डी ओ डब्ल्यू मीडो, या फिर एम ई ए डी ओ डब्ल्यू। बताइए, ये भी वर्ड आपका यूज़ हुआ है जहाँ पे पोएट ने आपको कहा है रन थ्रू द मीडो, कि आपको ग्रास लैंड जो है उसमें मीडो में भी दौड़ना है। ये देखिए, ये आपका मीडो है, घास का मैदान। ओके, चलिए अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप अपनी बुक खोलेंगे, रन पोएम पे जाएंगे और उसके लास्ट में आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं, न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं ऑफ द पोएम, आप उनको देखेंगे, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मीडो की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपोजिट ऑफ मैरी इज। अब ये मैरी नहीं है, कई लोग इसको सोचते हैं एम ए डबल आर वाई, ये मैरी होता है जिसका मतलब होता है शादी, बट ये मेरी है, एम ई डबल आर वाई, मेरी क्रिसमस, सुना है ना आपने। ओके, सो ये वो वाला मेरी है, क्रिसमस वाला। सो आपको बताना है मेरी का ऑपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा। आपके ऑप्शन है सैड, हैप्पी, या फिर डाइवोर्स। ये तो कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ताकि आप मैरी से इसको कन्फ्यूज़ करो, जो कि आपको नहीं होना है। सो आपको बताना है इसका जो ऑपोजिट है वो सैड होगा या फिर हैप्पी होगा, ये आप खुद बताएंगे। देखिए, दिस इज़ व्हाट मेरी, ये वो है मेरी, यानी कि खुश रहना, हमेशा स्माइल करना, हैप्पी रहना। तो ये मेरी मतलब से आप हैप्पी दिवाली बोलते हैं, सो हम मेरी क्रिसमस भी बोलते हैं। सो मेरी मीन्स है हैप्पी, ऑलवेज स्माइलिंग। तो हैप्पी का ऑपोजिट तो अब आप बता ही देंगे, बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ फ्रेसिस द पोएट्स वांट्स अस टू रन। पोएट क्या चाहती है, चाहता है कि पोएटिस क्या चाहती है कि हम लोग कैसी रेसेस लगाएं, लॉन्ग रेसेस, फार दूर तक जाए, या फिर लिटिल, छोटी छोटी रेसेस लगाएं। ये भी आपके उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है जहाँ पे उस स्पेसिफिक पोएट ने बोला है कि रन डैश रेसेस। आप अपनी पोएम खोलिए, उसकी लाइंस को पढ़िए, तो आपको इनमें से एक वर्ड ज़रूर मिलेगा, लॉन्ग रेसेस, या फिर फार रेसेस दूर तक, या फिर लिटिल, छोटी छोटी रेसेस। और उसके बाद आप आंसर देके बताएंगे ए बी या सी। चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ, क्रॉस चेक हो जाएगा आपको पता है नहीं, द करेक्ट आंसर इज़ लिटिल। ठीक है, पोएटिस हमें कह रही है कि हमें छोटी छोटी रेसेस लगानी चाहिए, कभी थ्रू द मीडो, कभी आउट टू द कंट्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वी शुड रन, हमें कब दौड़ना चाहिए, एट नाइट, नाइट में, इन द मॉर्निंग, सुबह, या फिर ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है कि आपको कब दौड़ना चाहिए, आप सोचे कि मॉर्निंग में दौड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट पोएटस वांट्स, कि पोएटस हमें क्या चाहते हैं कि हम कब दौड़ें। उसमें ये भी, इनमें से भी एक सेंटेंस है पोएटस ने यूज़ किया है कि रन, क्या कहा है उसने बताइए। येस, द करेक्ट आंसर इज सी, रन थ्रू ऑल थ्रू द डे। उसने कहा है कि पूरा दिन दौड़ो, है ना, दौड़ो इन द सेंस कि कुछ ना कुछ करते रहो। दौड़ना मतलब वही नहीं है रेस लगाना, डू समथिंग, कुछ भी आप करें, लेकिन पूरे दिन आप लोगों को बिजी रहना है। ओके, नेक्स्ट, रन इन द रेन ड्रॉप, ये आपका एक सेंटेंस है, रेन ड्रॉप, जो कि पोएटस ने कहा है कि रेन, जब बारिश हो रही हो तब भी आप दौड़ते रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। प्रीपोजिशन आपको पता है क्या होती है, अ वर्ड विच टेल्स अबाउट पोजिशन ऑफ समथिंग, जो कि आपको किसी चीज़ की पोजिशन बताता है। जैसे कि मैं कहूँ कि बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, जो बर्ड्स हैं आपकी वो पेड़ के ऊपर से उड़ रही है, तो इस सेंटेंस में जो ओवर है वो हमें बता रहा है कि बर्ड्स की पोजिशन क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो वर्ड है आपका रन इन द रेन ड्रॉप्स, इसमें आपकी प्रीपोजिशन कौन सी है, रन प्रीपोजिशन है, या फिर इन प्रीपोजिशन है, या फिर रेन ड्रॉप्स प्रीपोजिशन है। वीडियो को पॉज करिए और बताइए। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज रन की अगर हम बात करें तो रन आपकी वर्ब है, क्योंकि ये बता रहे कि क्या काम करना है हमें। रेन ड्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी नाउन है, नाम है बारिश की बूंदों का, और ये इन, ये बता रहा है कि हमें कहाँ पे दौड़ना है, इन द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स में। सो दिस इज प्रीपोजिशन, ये आपकी प्रीपोजिशन है, यानी कि द करेक्ट आंसर इज बी, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन रन बैक अगेन, उसके बाद वापस दौड़ो, ये भी आपकी पोएम की एक लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ब इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, ये आपको बताना है। तो वर्ब रन है, या फिर बैक है, या फिर अगेन है, बताइए चारों में से कौन सी वर्ब है। ये मैं लास्ट जब मैंने सेंटेंस आपको कराया उसमें मैं वर्ब बता चुकी हूँ आपको, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर। वर्ब मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो कि बताता है कि क्या काम हो रहा है, जैसे कि आई एम ईट, या फिर आई एम डूइंग दिस क्विज, तो इसमें डूइंग जो वर्ड है ये आपकी वर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि आप ये क्विज कर रहे हैं, या फिर आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, तो ईटिंग आपकी वर्ब हो गई। तो इसमें क्या काम आप कर रहे हैं, रन, बैक, या फिर अगेन, वो आप बताएंगे। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन, पोएट क्या चाहता है कि वेयर वी शुड रन, हम कहाँ दौड़े, डाउन टू द हिल साइड, या फिर अप टू द लेन, या फिर थ्रू द मीडो, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी जगह, हिल साइड से नीचे, या फिर लेन, अप टू द, अप द लेन, या फिर थ्रू द मीडो, ग्रास लैंड, घास के मैदानों के बीच में, या फिर ऑल द अबव, सभी जगह हम लोगों को दौड़ने के लिए वो बोल रहा है। आपको पता ही होगा इसका सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज डी, ऑल ऑफ दी अबव, सभी जगह वो हमें दौड़ने के लिए कह रहा है, पूरा दिन दौड़ो, जहाँ पे भी मिले यू हैव टू रन, आपको दौड़ते ही रहना है। सो दैट्स ऑल, ये हमारी क्विज है, होपफुली आपके सभी आंसर सही हुए होंगे, आपको थोड़ा सा ग्रामर की भी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।